गाइस, दिस इज किरी ठाकुर, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। स्वागत है आपका किरी ठाकुर व्लॉग्स में। और जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि फूड ब्लॉग की एक सीरीज बनाने वाले हैं, तो अभी हम लोग कहाँ पर आए हुए हैं आप लोग तब तक सोचो, और थोड़ी देर में आपको पता ही चल जाएगा कहाँ पर हैं। और शोर शराबे से समझ में आ ही रहा होगा। और हमारे केशव भाई अभी हमारे साथ हैं, तो कहाँ आए हैं अपन वैसे बताना है क्या? अभी गाइस आपको बहुत मज़ा आने वाला है। हमने जैसा आपसे प्रॉमिस किया था फूड की सीरीज आएगी, तो वो आ चुकी है नेक्स्ट सीरीज। और लास्ट सीरीज हमारी सराफा मार्केट की थी, आपने अगर नहीं देखी तो जाके देखिए आप पहले उसे, बड़ा मज़ा आएगा आपको। सराफा की और उसके पहले अभिव्यक्ति का गरबा, तो वो उस लोगों जितना प्यार आप लोगों ने दिया बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, और जल्दी से जल्दी अभी अपन को ये वाला टारगेट पूरा करना है, फिर बनके पे भी पहुँचेंगे, बहुत जल्दी पहुँचेंगे। और अभी आप लोगों को घुमाते हैं कहाँ पर आए हुए हैं, बताने क्या बता देते हैं? नहीं रुको, अभी बताते हैं, वीडियो में बताएंगे। ऐसे नहीं बता रहा है, आप खुद गेस कर लेंगे, नहीं तो फिर समझदार लोग हैं, अपनी पब्लिक समझदार है, समझ ही गए होंगे कहाँ आएंगे। चलो चलते हैं, फिर बताते हैं कहाँ पर आए हैं और क्यों आए हैं। अभी आपको पता चल गया कि हम लोग कहाँ पर आए हुए हैं। कहाँ पर आए थे अपन? 56 में इस टाइम, और कर रहे हैं इसको एक्सप्लोर। कुछ चीज़ें खाएंगे, उसका रिव्यू बताएंगे कैसा क्या है। और बहुत बड़ा मार्केट है, तो आज तो इसका पूरा वीडियो नहीं बन पाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी आपके साथ शेयर कर पा रहे हैं वो बनाएंगे, और कोशिश करेंगे कि आगे जितना भी मार्केट है उसको भी एक्सप्लोर कर पाएँ। तो अभी चलते हैं और देखते हैं क्या सबसे पहले ट्राई करने वाले हैं हम लोग। क्या ट्राई करें? डोसा। केशव भाई का कहना है कि डोसा तैयार करते हैं, तो डोसा देखते हैं आगे किसका डोसा लेते हैं। ट्राई करते हैं। दादा हमारे बता रहे हैं स्पेशल जीनी डोसा है ये अपना। इसमें वेजिटेबल होते हैं, हर्ब्स होते हैं, मसाले होते हैं, इसमें चीज आती है, इसको बड़े तरीके से सजाया जाता है रोल करके। तो अभी एक जीनी डोसा ऑर्डर करा है, और कहाँ पे किया है? नाम है सिगड़ी डोसा, इसका डोसा ट्राई करने वाले हैं। तो कुछ एक्साइटमेंट है आपको? बहुत देखा है। कोई एक्साइटमेंट नहीं है भाई, ये रात में हमको परेशान करके लेके आए 56, और उसके बाद ऐसे मुँह लटका के बैठे हुए, क्या बात हो गई? कोई भाग गया क्या? इनका मुँह इसलिए लटका है कि हमने इनको बोल दिया कि ये ट्रीट ये देंगे, आज के प्रोड्यूसर हमारे ये है, इसलिए कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आज खर्चा करेंगे दिल खोल के केशव भाई हमारे। चलिए ट्राई करते हैं चीनी डोसा।
क्या चीनी डोसा, और ये रहा तो काफ़ी ये अच्छा लग रहा है और मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे खाना है जल्दी से। तो ठीक है, ये बहुत भूखे हैं, इनको खाना है और खाते हैं, बताते हैं, शेयर करते हैं रिव्यू आपके साथ। शुरुआत कर दें, करते शुरुआत, देख लो। टेस्ट अच्छा लगा आपको? तो मतलब कोई अपना अगर सब्सक्राइबर आता तो पसंद आएगा उसको? ठीक है, चलिए ट्राई करते हैं हम भी। ट्राई करके बताते हैं। तो भाई आपको अच्छा लगा? आप बताइए कि आपका रिव्यू है। हमारे तरफ से हम बोलेंगे इसको 10 में से 7 नंबर, इससे ज़्यादा नहीं। ट्राई कर सकते हैं एक बार, टेस्ट अच्छा है लेकिन एकदम बहुत ज़्यादा एक्सीलेंस वाला नहीं। मसाला डोसा और इसमें डिफरेंस ये है, इसमें मेयोनीज है और चीज़ है बस, बाकी सेम है मसाला और ये है। मसाला खा लो, उससे बढ़िया मेरे ख्याल से खाओ। डोसे का मज़ा लेते हैं, आप लोग भी आ जाओ, खाते हैं साथ में, फिर चलते हैं कुछ और जगह पर। भैया आपका नाम? अमित जैन भैया का नाम है। और ये सिगड़ी डोसा भी हमने खाया, तो उसमें हमने खाया चीनी डोसा, काफ़ी अच्छा टेस्ट लगा हमें। और भैया से पूछना चाहेंगे कब से इसकी शुरुआत हुई, कैसे शुरुआत हुई? भैया करीबन 4 से 5 साल पहले, 4-5 साल पहले अपन ने इसकी शुरुआत करी है। और अपना सबसे बेस्ट डोसा है चीनी डोसा और पिज्जा डोसा, अब ये बहुत प्यारा होता है, हमेशा टेस्ट जोरदार होता है। सब चीज़ अपनी खुद की बनाई होती है, बस बाहर से कुछ चीज़ें नहीं रहते हैं। जहाँ तक डोसे का जो मेटेरियल रहता है वो भी अपना खुद का रहता है, चटनी मसाले सब अपने रहते हैं, इसलिए इसका टेस्ट अपने आप जोरदार रहता है। और भैया ने जैसा कि बताया कि चीनी डोसा और मसाला डोसा, पिज्ज़ा डोसा यहाँ पे बहुत फेमस है, तो जो भी आए एक बार जरूर ट्राई करना। और हम अभी आगे एक्सप्लोर करने जा रहे हैं मार्केट, तो अमित नाम है भैया का, एक बार सिगड़ी डोसा 56 पे जरूर आना, ठीक है? थैंक यू भैया, बहुत अच्छा लगा हमें। हाय गाइस, अब हम आए हैं एक काफ़ी अच्छी दुकान पर। यहाँ पर 56 दुकान पे 56 व्यंजन मिलते हैं आपको 56 रुपये में। आप कोई भी आइटम 56 रुपये में खा सकते हैं यहाँ पर, कई सारे आइटम्स हैं। और देखो मैं आ गया फिर से, इनको परेशान नहीं कर रहा। बात ये है कि अभी एक टाइटल देखा, 56 दुकान पे 56 व्यंजन, तो उसको समझने के लिए आए इस दुकान पे। मतलब कंसेप्ट इनका ऐसा है कि 56 व्यंजन है और उनका रेट 56, मतलब 56 ही है, तो ये 56 की चीज़ है। तो अभी आ गए हैं, और अभी क्या मंगाया बनने? हमने भी पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है 56 रुपये का, तो देखते हैं कैसा आता है पिज़्ज़ा, तो बताते हैं उसके बारे में सारी चीज़ें। और अभी देखते हैं क्या चलता है आगे, अभी आपको मेन्यू कार्ड दिखाते हैं, ठीक है? 56 रुपये वाला आ गया क्या? आ चुका है जिसका मैं इंतज़ार था। क्या आ गया? आ गया, ऐसा कौन आ गया भाई? देखिए आप खुद देखिए, हम क्या बताएं आपको, दिख रहा है क्या? थोड़ा कैमरा नीचे कीजिए आप, चलो अच्छे से दिखाते हैं। दोस्तों ये पिज़्ज़ा भी आ चुका है, और कैसा है क्या है देखते हैं, देखने में काफ़ी टेस्टी लग रहा है और शायद होगा भी। बाकी अभी केशव भाई मन ललचा रहा है यार, फ़ोटो खींचना बंद कर दो, खींचना पड़ता है लोगों को दिखाना, ये फ़ोटो खींचना है अभी, ये खाने नहीं दे रहे, लेकिन हम इसको खाने वाले हैं जल्दी, बहुत ही जल्दी। केशव भाई 1 2 3 एंड आई एम स्टार्ट। चलिए बताइए खा के कैसा है सबसे पहले। ओ मज़ा आया, खाए तो दो अभी, अभी खा रहे हैं, टेस्ट तो आए, खाने दो खाने दो, हम भी ट्राई कर ही लेते हैं, ठीक है टेस्ट अच्छा है, सकता है 56 के हिसाब से ठीक है टेस्ट। देखो रेट के हिसाब से बहुत रीजनेबल है, बहुत बढ़िया टेस्ट है, जिस हिसाब से रेट है काफ़ी अच्छा भी लगा। मतलब अब इसको पॉइंट्स तो नहीं दे सकते हम, अगर आप 10 में से रेटिंग देनी होगी तो कितने दे सकते हैं, सोचो सोचो। 8 दे रहे हैं, 8
हाँ ठीक है। हेलो यार, आप भी खा लो। हेलो गाइस, आपके लिए भी है, सब्सक्राइब करो जल्दी से, और भी अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आने वाला हूँ। अब हम तो चप्पल घूम कर आए हैं और अब एक स्पेशल चीज़ खाने वाले हैं। हम बहुत ही स्पेशल चीज़ खाने वाले हैं, तो कोई भी इंडियन इस चीज़ को तो मिस कहीं भी कर ही नहीं सकता, और स्पेशली गर्ल्स। हाँ, समझ जाओ क्या है। तो चलो, बहुत ही स्पेशल चीज़ खाने वाले हैं, बताते हैं आपको। आ जाओ, चलो साथ में ही चलो, खिलाते भी हैं साथ में अभी। ओ माई गॉड, क्या खाने वाले हो? दिखाओ दिखाओ, लड़कियों की फेवरेट चीज़। क्या बोल रहे हो? चलो बताते हैं यार, क्यों इतना सस्पेंस में हो, हम बता देंगे, चिंता मत करो, थोड़ी देर तो इंतज़ार करो यार। चलें, चलो आ जाओ, खिलाते हैं। ये हमारे दर्शक खा लो। बहुत खराब लड़का है ये, खा रहा है सिर्फ, खिला नहीं रहा है, देख रहे हैं आप सभी। कैरी गिला भैया, वो आप खाओ। देखिए भाई, से आपको ये है भाई, इनने बनाए गोलगप्पे, काफ़ी अच्छे गोलगप्पे बनाए इनने, 10 फ्लेवर में दिए हैं अभी खाकर। यूज नाम भाई, टिक्कियों में तो जो मज़ा था वो तो है ही, लेकिन भाई के अंदाज में बहुत मज़ेदार चीज़ है, बहुत मज़े से पिलाते हैं और काफ़ी हसमुख हैं। अरे इस पर क्या बात है, तो चोल भाई अभी बता ही दिया है 56 पे, और ये देखो भाई ने हमें दे दिए। आपको तीखा लग रहा है केशव भाई? बिल्कुल। तो आप खा लो, भाई का कहना था कि हम तीखा नहीं खा पाएंगे, तो वैसे आप लोग तो जानते हो कि कितना तीखा खाते हैं हम। ठीक है, और कुछ स्पेशल दिया भाई ने आपकी बार? भाई कुछ बोलना क्या? और बोल लो, हमारे सब्सक्राइबर भाई, भाई बोल रहा है सराफा घूमा यार भाई, यार दिक्कत हो गई। चलो भाई का अंदाज मुझे बहुत पसंद आया, ठीक है अपन मिलते रहेंगे भाई। और अभी तो हम इंदौर में हैं, और एक बात बता दी आपको मैंने कि ग्वालियर से हैं, तो तीखा तो यार अब ग्वालियर से यहाँ आते हमारे पास खाने के लिए। बिल्कुल, हम भी आए हैं, हम भी तो आए यार, लेकिन तीखा नहीं मिल पाएगा हमारे जैसा। समझ गए हो गए, भगत जी की वीडियो देख लेना डलिए चैनल पर। ठीक है बाय, बोल दो यार सब्सक्राइब कर देना, लाइक करें। अब तो भाई बोल रहा है सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और जल्दी करो यार। ठीक है गाइस, अभी जो पीछे दिख रहा है ना, यहाँ पे बहुत मन था ये तुर्किश आइसक्रीम खाने का, पर है ही नहीं, है ही नहीं ये आइसक्रीम। चलो केशव भाई, कुछ और लेंगे हम तो, आ जाओ। क्या ले लिया तुमने? क्या ले लिया? कॉफ़ी। ये आदमी, मेरे को आइसक्रीम खानी थी यार, नहीं मिली, कुछ और खाते हैं, देखते हैं। सो गाइस, अभी मन को बहुत बड़ी ठेस लग चुकी है, उस ठेस को मिटाने के लिए हमने ये लिया है, लेना तो ये था, ये देख क्या होगा, पर नहीं मिला। कोई बात नहीं बेटे, होते हैं, होता है बेटे, अब नहीं, अरे नहीं बेटा, ये पी, ये बेटे ये पी, लाओ ये पी, इसे तो दिल हल्का कर, कुछ नहीं होगा, अच्छा नहीं है लेकिन चलता है। मन तोड़ दिया। वैसे काने मामा अच्छे। ये देखो कौन सी कहावत बोल रहा है, समझ में आई हो तो बताना जरा दोबारा। नी मामा से काने मामा अच्छे।
जी मामा से काणे मामा। अच्छे कहावत मैंने आज पहली बार सुनी, इसका अर्थ भी बता दो पब्लिक को। समझ जाएंगे सब, समझ जाएंगे यार। अरे सब समझदार है भगवा तू भाई, अपने सारे सब्सक्राइबर समझदार हैं वो हम भी जानते हैं। इसका मतलब ये होता है जो नहीं मिल रहा है उससे कुछ तो मिला है आपको, एटलीस्ट जो आपको चाहिए था वो के काफी अच्छी कहावत है। लेकिन कॉफी तो मिली, कॉफी पी लो। चलो तो वैसे आप लोगों को एक चीज और बताने वाले हैं अभी यहाँ पे कि अब ये 56 को एक्सप्लोर करा और ज़्यादा नहीं कर पाया, थोड़ा ही करा क्योंकि टाइम की भी कमी रहती है। बाकी किसी दिन अच्छे से आके अभी बीच में और टाइम निकाल के देखेंगे इन सबको। अभी जो सीरीज़ मतलब जो भी इंदौर के आसपास की फेमस जगह जैसे कि सराफा, 56, अब और क्या है वो नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे आपको। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और जल्दी से जल्दी एक काम करो यार, अपन को कहाँ पहुँचने केशव? अब जा रहे हैं, वैसे निकल रहे हैं 1K तक पहुंचना है। अभी कोई ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं है, सिर्फ 1K का। ऐसे शानदार ब्लॉग्स आते रहेंगे और जो कॉलेज वाले ब्लॉग्स हैं वो तो मिलते ही रहेंगे। अभी जब तक फूड सीरीज़ चल रही है तब तक थोड़ा होल्ड रखूँगा उनको। और कुछ कहना पब्लिक से? बस ठीक है, मुझे कॉफ़ी पीना है। उनको कॉफ़ी पीने देते हैं, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। दिस इज केडी ठाकुर गोइंग बैक टू वर्क। जल्दी मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा गाइज़।